दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बीते शुक्रवार यानी कि 28 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी पोनियन सेल्वन 2, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन करके कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। जहां दोस्तों यकीन मानिए, पोनियन सेल्वन 2 को सिनेमाघरों से इतना शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है कि फिल्म ने अपने पहले 3 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर वो तूफान मचा दिया है। कई बड़ी फिल्मों को इस फिल्म ने पीछे छोड़ दिया है अपने पहले 3 दिनों में, और फिल्म की कमाई काबिले तारीफ हो रही है। तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में पोनियन सेल्वन 2 अपने पहले 3 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई कर चुकी है, वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है, फिल्म का बजट कितना था, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या फिर फ्लॉप। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले, अगर आप मणिरत्नम को एक बेहतरीन डायरेक्टर मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा, पोनियन सेल्वन 2 ये दूसरा पार्ट है। इस फिल्म का पहला पार्ट साल 2022 में सितंबर में रिलीज हुआ था, जिसको बहुत ही शानदार रिस्पांस मिला था, और अब साल 2023 में 28 अप्रैल को इसका दूसरा पार्ट यानी कि पोनियन सेल्वन 2 रिलीज हुआ है। और इस फिल्म को देखने के बाद, इस फिल्म की तारीफ करते करते दर्शक नहीं थक रहे हैं। मणिरत्नम के डायरेक्शन में यह फिल्म बनी है, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म है, जिसमें जयराम रवि, कार्ती, विक्रम, ऐश्वर्या राय और यहां पे तरीशा हमें अहम किरदारों में नजर आ रहे। फिल्म का बजट 500 करोड़ रुपए का है, लेकिन आपको याद रहे कि 500 करोड़ रुपए बजट दोनों पार्टों का है, क्योंकि अगर पोनियन सेल्वन 2, खाली पोनियन सेल्वन 2 के अगर बजट की हम बात करें तो 250 करोड़ रुपए है। लेकिन यहां पे अगर बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो जिस तरह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म कर रही है वो वाकई काबिले तारीफ है। फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया के अंदर सभी लैंग्वेजेस में, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नाडा, मलयालम, 5 भाषाओं में इस फिल्म ने पूरे इंडिया से 24 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था। और वहीं फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन था पहले दिन का, वो था 29 करोड़ रुपए का। ओवरसीज से फिल्म ने कमाए थे 34 करोड़ रुपए। जहां दोस्तों इंडिया से भी ज्यादा फिल्म ने ओवरसीज से कलेक्शन किया, और फिल्म का जो पहले दिन का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन रहा वो रहा 63 करोड़ रुपए का। और बात करूं मैं दूसरे दिन यानी कि मतलब कल की, तो फिल्म का जो सैटरडे का कलेक्शन रहा वो रहा 24 करोड़ रुपए। और फिल्म अपने पहले 2 दिनों में इंडिया के अंदर 48 करोड़ रुपए कर चुकी है, वहीं पूरे वर्ल्ड में ये फिल्म 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करके 110 करोड़ रुपए कर चुकी है। जहां दोस्तों 2 दिनों में 110 करोड़ रुपए पूरे वर्ल्ड से पोनियन सेल्वन 2 ने कमा लिए हैं। अब अगर बात करूं तीसरे दिन यानी कि संडे की, आज की, तो आज एक बार फिर से बेहतरीन कलेक्शन कर रही है और 25 करोड़ रुपए पूरे इंडिया से ये फिल्म कर रही है। और फिल्म का टोटल कलेक्शन 3 दिनों का 73 करोड़ रुपए इंडिया से हो रहा है, तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में 150 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर रही है, जो कि काबिले तारीफ है। लेकिन दोस्तों आपको कैसी लगी फिल्म, कमेंट में जरूर बताइएगा।